हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें करेंटली बहुत चल रही हैं एंड प्रीवियस टाइम में भी बहुत चली थी, बट अभी लोगों को मौका मिला है इस चीज़ को मिसयूज़ करने का, इसलिए वो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब वो एक्चुअली क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इंसिडेंट ये हुआ है कि आजकल लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, जैसे पहले भी फ़ोन किए जाते थे कि आपका ये कार्ड चेंज कराना है, आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे किस तरह के फ्रॉड कॉल्स आते थे जो बैंक के थ्रू नहीं होते थे, लेकिन लोग इनकी बातों में आ जाते हैं एंड अपनी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती हैं अपने अकाउंट से रिगार्डिंग, अपने कार्ड से, अपने OTP से उनके साथ शेयर कर देते थे एंड उसी का रिजल्ट ये होता था कि उनका अकाउंट पूरा खाली हो जाता था। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ अभी 2 दिन पहले हुआ है, तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई मेरे साथ जब वो चीज़ हुई, बट एट लास्ट मैंने OTP अपना शेयर नहीं किया है। पूरा इंसिडेंट मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी, बट मैंने वो शेयर नहीं किया कि अंत भला तो सब भला। इन दी एंड मेरी मतलब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इस वजह से मैंने नहीं किया। एंड जब मैंने सब लोगों को बताया तो मुझे इतनी डांट पड़ी, आई कॉन्ट टेल यू, कि मतलब एक बैंक वाले की वाइफ होकर के, एक पढ़ी लिखी लड़की होकर के तुम उनकी बातों में आ कैसे गई। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पढ़ा लिखा होना इस चीज़ से रिलेट नहीं करता है। वो जिस तरह से आपसे बातचीत करते हैं, आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, मतलब मैं समझ नहीं सकती, मैनिपुलेट कर लेंगे कि आप उनकी बातों में उलझ जाएंगे एंड फिर आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ और ऐसा ही बहुत बार पहले भी मेरे पास कॉल आए, तब मैं इमीडिएटली पकड़ लेती थी एंड तुरंत कॉल कट कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं फंस गई एंड मैंने कुछ डिटेल्स भी शेयर कर दी, बट इन दी एंड जब उन्होंने मुझसे मेरा पासवर्ड मांगा तब मुझे लगा कि ये रियली कोई फ्रॉड के लिए ही कॉल है और मैंने वो OTP उनको नहीं दिया एंड इस तरह मैं बच गई जस्ट इन दी लास्ट मोमेंट। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। जैसे कि आप जानते हैं कि करेंटली आई थिंक SBI बैंक में या बाकी बैंकों में भी कुछ कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, पुराने वाले कार्ड बंद होकर के नए कार्ड बन रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जो नई है एंड हमें लगा कि रियली इसी के रिगार्डिंग असलियत में ही फ़ोन आया होगा, क्योंकि शायद उनको कोई हेल्प चाहिए होगी पुराना कार्ड बंद करने के लिए और नया कार्ड इशू करने के लिए। तो मेरे पास भी इसी नाम से फ़ोन आया था कि आपका पुराना कार्ड हमें बंद करना है और नया कार्ड इशू करना है, तो आप हमें ये डिटेल शेयर कर दीजिए। एंड आप मानोगे नहीं, मैं उस बंदे से ये कह रही हूँ कि अरे आजकल बहुत फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो मैं कोई डिटेल शेयर नहीं करूँगी, आई एम सॉरी, मैं सीधे बैंक में जाके ही डिस्कस करूँगी, मेरा कार्ड आना होगा आ जाएगा। तो वो कह रहा है हम बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, हम हेडक्वार्टर से फोन कर रहे हैं। उनकी टोन भी बहुत अलग सी थी, उन्होंने मुझे बोला था कर्नाटका से या पता नहीं कहीं बहुत दूर से बात कर रहे हैं और उनकी लैंग्वेज का भी टोन बिल्कुल वही था, तो मुझे लगा कि वो ट्रू है। एंड जब मेरे पास फोन आ रहा था ना तो ट्रू कॉलर ने उसको रिवील किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे SBI के कार्ड के लिए आ रहा था, तो जब वो ट्रू कॉलर ने उसको SBI के नाम से भेजा तो मुझे लगा कि रियल ही कॉल होगा, इस वजह से मैंने उन पे भरोसा कर लिया एंड ये कार्ड वाला इशू चल ही रहा था तो इसलिए और मैंने कर लिया। तो हुआ ये कि जैसे ही मेरे को ये लगा फ़ोन तो उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल मांगी, उन्होंने मुझसे मेरा कार्ड का एक नंबर मांगा जो मैंने उन्हें नहीं दिया एंड वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा कार्ड मेरे पास नहीं था, मेरा कार्ड संदीप के पास था। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपने हस्बैंड से बात करके फिर आपको नंबर दे दूँगी जो भी आपको डिटेल चाहिए। तो वो बंदा 1 मिनट भी होल्ड करने को तैयार नहीं, ना इतना मुझे टाइम देने को तैयार कि मैं कॉल कर लूँ, कह रहा नहीं आप वेटिंग कॉल में कॉल करो, वेटिंग कॉल में कॉल करो, अभी कॉल करो। मैंने जैसे जैसे संदीप को फ़ोन किया, कभी कोई चीज़ अच्छी के लिए होती है कभी बुरे के लिए, तो संदीप ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उस समय शायद ये चीज़ अच्छी थी बट मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि संदीप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। वो उस समय ऑफिस पहुँचे थे, 10:05 या 10:10 ही हुए थे तभी वो पहुँचे थे, तो इस वजह से उनका फ़ोन साइलेंट पे था। तो उसके बाद भी वो बंदा मुझसे, मैंने कहा मुझे मेरे हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं आप मुझे आधा घंटे बाद या 10 मिनट बाद फ़ोन करो। उसने फिर मुझे कार्ड दिया, कार्ड, हाँ कार्ड तो दिया फ़ोन, उसने कहा कि मैं आपको ऐसे ऐसे एक लिंक भेज रहा हूँ, आप मुझे वो लिंक फॉरवर्ड कर देना। एंड वो लिंक का टाइम था शायद 10 से 20 सेकेंड ही, तो मेरे मन में डाउट तो आ रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद बैंक में है, तो मुझे लग रहा उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं कि ऐसे ऐसे फ़ोन आएगा वेरीफिकेशन के लिए। तो मैं उन्हें कंटिन्यूस फ़ोन कर रही हूँ जब तक इसको लिंक का मुझे देना था, फॉरवर्ड करना था लिंक, इसे इसने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया जिसपे बोला कि आप ये लिंक फॉरवर्ड कर दो। उसने पहली बार जब मुझे लिंक दिया तब तक मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं संदीप से बात करना चाह रही थी कि क्या एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है। एंड संदीप का फ़ोन फिर नहीं लगा, फिर नहीं लगा, फिर उस बंदे का फ़ोन मेरे पास आ रहा है, मैंने आपको लिंक भेजा आप उसे फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे, वैलिडिटी खत्म हो रही है। मैंने कहा
कर रही हूँ कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ टाइप कर रही हूँ, फला करके मैं फिर उसने कहा कि नहीं नहीं टाइम खत्म हो गया, मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ। मैंने उसने सेकंड टाइम लिंक भेजा, तब भी मैं संदीप को फोन करती रही, संदीप फोन उठा लो मुझे बता दो बता दो, और वो उधर से फोन करके कि आप लिंक भेजो आप लिंक भेजो, 10 सेकंड में ये हो जाएगा 20 सेकंड में। तो मैंने इन दी एंड वही होता है ना, सिचुएशन ऐसी बन गई कि मेरे को समझ नहीं आया और मैंने उसको वो लिंक फॉरवर्ड कर, मेरे मन में दिमाग में आया कि ऐसा कोई लिंक होगा तो उसकी डिटेल ऑब्वियसली उस पर दे रखी होती है, आपको जिस पे भी फॉरवर्ड करना होता है वो एंड में उसके आ जाता है, बट वो लिंक कोई बैंक का लिंक था ही नहीं, इसलिए उसमें कोई डिटेल ही नहीं थी, इसलिए उसने अपना इंडिविजुअल मोबाइल नंबर दिया, उस पर उसने लिंक मांगा, और मैं महा बेवकूफ जो मैंने वो लिंक उसे फॉरवर्ड कर दिया। कैन यू बिलीव इट, मैंने वो लिंक फॉरवर्ड कर दिया। अब उस बंदे ने जैसे लिंक फॉरवर्ड हुआ उसके बाद ही मेरे पास आया एक मैसेज और आया उस बंदे का फोन, बस उस मैसेज से मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी सी खुली। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, मेरे सारे पेमेंट संदीप करते हैं, मैं सिर्फ शॉपिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं शॉपिंग करती हूँ, बट हाँ जो भी करती हूँ उन्होंने मुझे विदाउट पिन या वैसा वाला कोई कार्ड दे रखा है, शॉपिंग करो बिल में कर दूंगा बाद की बात में देखी जाएगी, मैं कोई पेमेंट नहीं करती हूँ, जोमेटो ले लो ऑनलाइन मिंत्रा मिंत्रा कुछ ले लो सब संदीप पेमेंट करते हैं, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत नॉलेज है, वो आईटी फील्ड में ही है। तो मेरे पास जैसे उसने वहाँ मेरे अकाउंट से लॉगिन किया, उसके पास मेरा अकाउंट नंबर था, मेरा मोबाइल नंबर था, और उसके पास वो लिंक पहुँच गया था मेरे मोबाइल नंबर पे जो आया। अब उसको सिर्फ चाहिए था एक ओटीपी, उसने मुझे मैसेज फ़ोन किया और उसी पॉइंट जैसे उसने रजिस्टर किया वैसे ही मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका ये नंबर भीम ऐप पे इंस्टॉल किया गया है, अगर ये आपने नहीं किया है तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करें और मतलब कोई ट्रांजेक्शन ना होने दें, या और ना ही अपना ओटीपी किसी से शेयर करें। जैसे ही मैंने उसमें ये पढ़ा और इमीडिएटली उसका फ़ोन आया, आपके पास एक डिटेल आई होगी उसमें एक ओटीपी आया होगा वो आप मुझे दे दीजिए। मेरा दिमाग तब भी थोड़ा सा ठनका और मैंने कहा नहीं, उसमें तो ये लिखा है कि ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है। कह रहे अरे किसी और से थोड़ी शेयर करना है, हम तो बैंक वाले, हमसे शेयर कर दीजिए। और बाई चांस ये था कि मेरे पास ओटीपी आया ही नहीं था, जैसे उस बंदे ने तब मुझ पर एकदम प्रेशर डाला था और मैंने उसको लिंक फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे ही अगर वो ओटीपी आ गया होता ना तो शायद मैं उसको वो ओटीपी भी दे देती, जस्ट अ 3 डिजिट नंबर मुंह से निकल ही जाता इस तरह के प्रेशर में। तो वो ओटीपी मेरे पास आया ही नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि ऐसे ऐसे किसी ने भीम ऐप पे आपके नंबर से रजिस्टर करा है एंड अगर आपने नहीं किया है तो आप तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करें एंड फला फला डिटेल। बस जैसे ही भीम आया ना मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे हस्बैंड कभी कभार ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे भीम यूज़ करते हैं। मैंने उस बंदे का फ़ोन काटा और मैंने फिर संदीप को फ़ोन लगाया, और संदीप ने तो माशाल्लाह उस दिन फ़ोन उठाना ही नहीं था, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। 2 दिन या 1 दिन पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस के नंबर से फ़ोन किया, मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर फ़ोन किया, मैंने कहा संदीप ऐसे ऐसे हो गया, कह रहे तुमने ओटीपी शेयर तो नहीं किया, मैंने कहा बस मैं करने वाली थी बट किया नहीं, कह रहे फिर टेंशन मत लो, और फिर वो मुझे डांटने लग गए तुमने ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तुम इतनी कैसे मतलब अनपढ़ों की तरह तुमने कैसे किसी की बात नहीं। मैंने कहा संदीप वो बिल्कुल बैंक से ही बोल रहे थे इसलिए मैंने भरोसा कर लिया, कह रहे ऐसे कैसे तुमने भरोसा कर लिया, डोंट बिलीव मेरी क्या हालत हुई थी, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मेरी हालत खराब। फिर मैंने संदीप के पास ही कार्ड था, मैंने उनको बोला प्लीज़ जाओ, वो बैंक में काम करते हैं तो आसपास एटीएम था, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ जाओ एटीएम में चेक करके आओ कि मेरा बैलेंस है या नहीं, एंड फाइनली वो बेचारे 10-15 मिनट में चले गए और उन्होंने मुझे उसकी रिसिप्ट भेज दी, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, तब मेरी जान में जान आई। देखिए आप खर्च चाहे 100 रुपये करो 1000 रुपये करो, अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी पैसा खर्च करते हो तो आपको कभी नहीं लगता है, कोई रिग्रेट नहीं होता है, बट अगर कोइंसिडेंटली आपको 10 का नोट भी खो जाता है ना तो आपको बहुत चिढ़ आती है कि गया कहाँ गया कहाँ किसने लिया गया कहाँ ये वाला, एंड ऐसे अगर आपके बैंक में से कोई पैसे निकाल ले तो आपका क्या होगा। एंड मतलब एज सच कोई बहुत अमाउंट नहीं था, बट जो भी था भाई पैसे तो पैसे होते हैं किसी के भी हो, वो मेरी जो हालत हुई थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। ऑब्वियसली इस समय हमारा घर बन रहा है तो घर के टाइम ही हमें बहुत बहुत खर्चे उठाने पड़े, और ऐसे में अगर मेरे पैसे हो जाते ना तो मैं तो मरी जाती, डिप्रेशन में चली जाती, मैं बहुत पैसों के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ और एक फ्रॉड मेरे साथ होते होते रह गया। तो बस मैं यही इसी चीज़ को लेकर के अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से मैं मतलब मैं यूट्यूब पे आती हूँ मैं हर चीज़ करती हूँ बट तब भी मैं एक फ्रॉड की बातों में आ गई, इस तरह से कोई भी बेवकूफ़ बन सकता है, तो आप लोग अवेयर रहिए। अब उन्हें एक रीज़न मिल गया है फ़ोन करने का, ये कार्ड चेंज वाला, तो वो आपको इस बहाने से फ़ोन कर सकते हैं। मैंने उसको बोल रही हूँ मैं उस बंदे के मुंह पे कि नहीं नहीं आजकल फ्रॉड हो रहा है, कह रहे हम आपसे कौन सा ओटीपी मांग रहे हैं, हम कौन सा आपसे सीवीवी नंबर मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ आपसे वैलिडिटी मांग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो वैलिडिटी मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पुराना बंद करके नया इशू करे तो इसलिए वैलिडिटी मांग रहा है। बट भाई मैं बता रही हूँ उस दिन जो मेरी बैड वजी है ना, मैं एक दिन तो सदमे में ही रही, मेरे पैसे नहीं गए, इवन देन मैं सदमे में रही क्योंकि मैं बेवकूफ़ बन कैसे गई।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, एंड आज मुझे मौका मिला तो मैंने आपसे शेयर की। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प और थोड़ी गाइडेंस मिली होगी मेरी इस वीडियो से, कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी पे भी ऐसा फ़ोन आ सकता है, आपको किसी की किसी भी बात में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बोलो, हम अपने बैंक में जाके पता करेंगे, हम किसी को कोई भी एक तिनके की भी डिटेल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एक तिनके की भी डिटेल नहीं, हम सीधे बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे। बस यही सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं एंड अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे यही है कि किसी भी अनजान फ़ोन नंबर पे किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी शेयर ना करें। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। सो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।